बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था तब उनके फैंस से लेकर आम आदमी तक सब हैरान थे, क्योंकि उनकी मौत आम नहीं थी। इसमें कई मामले जुड़े थे। सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भाग पर सुशांत को तंग करने का आरोप लगाया गया तो दूसरा भाग सुशांत के लिए न्याय मांगता दिखा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस भी हुई थी। इस केस में कई बॉलीवुड के कई लोगों का नाम आया था, साथ ही ड्रग से जुड़ी कई बातें भी सामने आई थी। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया अपडेट आया है। एनसीबी ने अब ऐसा किया जिसका फैंस काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। साल 2020 में स्टार सुशांत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपने पीछे वो कई सारे सवाल छोड़ गए थे जिसका जवाब पुलिस बहुत दिनों से खोज रही है। कई दिनों के बाद एक ऐसा अपडेट सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में मुंबई की विशेष अदालत में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, साथ ही में उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आरोप दाखिल किया है। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट में अभी तक रिया पर आरोप तय नहीं किए गए थे। इस केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2022 को मुंबई में अपने फ्लैट में फंदे से लटके हुए मिले थे। इस केस के मामले में रिया चक्रवर्ती को सितंबर 2020 में हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद उन्हें बॉम्बे कोर्ट ने जमानत पर बेल दे दी थी। अब देखना ये होगा कि 12 जुलाई को आने वाले फैसले में क्या होगा। क्या रिया चक्रवर्ती दोबारा जेल जाएंगी या वो इन सब आरोपों से मुक्त हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।